सिर्फ हम और गौरव है यहाँ पर और कोई भी नहीं। और ये बारिश से परेशान कर रखी है यार, रास्ता अभी तक मालूम नहीं किधर हम लोग। और मजा आ रहा है, हम लोग अभी ऊपर से पूरा चढ़ के नीचे तक आए, यहाँ कहाँ ले गया कुछ नहीं मालूम चल रहा, ना बारिश ना झरने कुछ का आवाज नहीं आ रहा, बस कंटिन्यू बारिश ही हो रहे हैं। हमारे पास ना रेनकोट भी नहीं है कि हम लोग सेफ हो सके। भाई गंदी वाली ट्रैकिंग हो रही है आज अपनी, पूरा बारिश में हम लोग फंस चुके हैं, उसके बावजूद इतने सारे सामान और कोई भी लोग नहीं है। अगर रूट सही है या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, झरना के पास तो नहीं है तो रोड के पास उल्टे आ गए। भाई पैर ना फिसल गया, समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नो मैटर। फिर से एक नया दिन, फिर से एक नई जर्नी, और आज हमारा है लास्ट डे हिमाचल प्रदेश में। तो आज हम लोग चलने वाले हैं चैडविक फॉल जो भी हो, मैं नीचे नाम दे दूँगा आप देख लेना, ठीक है। तो हम लोग आज वहाँ जाने वाले हैं और अभी हम लोग अपना होटल से चेकआउट कर लिए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने अपनी लगेज वगैरह सब कुछ ले लिए और अभी हम लोग है ना ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इधर से बगल ही में है और एक लोकेशन है, मतलब साइड से वो जंगल जैसा है, ठीक है ना। तो और एडवेंचरफुल रहेगा, तो हम लोग उधर से चलने वाले हैं और धीरे धीरे आपको मैं रास्ते में दिखाता रहूँगा क्या ब्यूटी आता नहीं आता, ठीक है। अभी हम लोग कैडिक फॉल चलते हैं और इस वीडियो को आप काफ़ी इन्जॉय करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और एक वीडियो में बीच में एक ट्विस्ट है आप लोग देखना, फिर आप लोग को मालूम चलेगी। और बहुत दिन के बाद हम लोगों को धूप भी मिली है, मतलब हम लोग जब सीधे आए थे ना तो हम लोग को थोड़ी सी भी धूप नहीं मिली थी, सिर्फ बारिश। नहीं तो फिर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कैंपिंग वाला, हम लोग बारिश में कितने गंदे फंसे थे, तो बस बारिश वाला मिला मौसम और फिर बादल वगैरह एनी टाइम घिरे रहते थे। आज बहुत दिनों के बाद धूप हुई है और यहाँ के लोकल लोगों ने कहा है कि यहाँ का कोई ठीक नहीं है, जब मन तब बारिश, जब मन तब यहाँ पर मौसम साफ भी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है यार पहाड़ी एरिया में, नॉर्मली तो ऐसे ही होते हैं। रास्ते तो काफ़ी अच्छे थे और बीच में से ना मतलब रास्ता कट रहा था, तीन रास्ते जा रहे थे, ये जा रहे कैडिक फॉल की ओर, ये वाली रास्ता कैडिक फॉल की ओर जाएगी, आगे चल के हमें एक चौक मिलेगी, ठीक है ना। मुझे ना लोकेशन उतना परफेक्ट मालूम नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को ट्राई करूँगा मैं लोकेशन कैप्शन में डाल दूँ, ठीक है। और चलते चलते हमें प्यास लगने लगी थी तो हम लोगों ने लोग उठा दिया यार, हमारा लगेज काफ़ी भारी है यार, उठाते उठाते था हमारी भी हालत ख़राब हो रखी है। गौरव का ना कल इसने मतलब बहुत देर तक इसने उठाया था। कंटिन्यू बारिश होने लगी थी, फिर अचानक धूप, फिर बारिश, कुछ भी हो जा रहा है यार कभी भी। भाई एकदम चुनिंदा लोगों मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, सिर्फ चुनिंदा लोग ही, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है और पूरा एकदम डीप, मतलब डीपेस्ट जंगल बोला जाता है ना, घना जंगल, ये पूरा एकदम घना जंगल है। रास्ते में कब क्या कुछ मिल रहा है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर कभी कुछ मिल सकता है, इतना घना वाला जंगल है। इतनी सॉलिड, आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो ना कितनी डीपेस्ट जंगल है, सेम ऐसा ही। और इस कार की हालत देखो भाई, लग रहा है ना कि कोई इस पर कोई चिंपैंजी आके बैठ गया या किसी ने हमला कर दिया, वैसा एकदम फूटा हुआ है गंदा वाला। मेरी वॉइस तो क्लियर आप लोगों को जा रही है ना, अगर नहीं जा रही है तो आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ याद से बताना भाई, ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दूँ आप लोगों के सामने। ऑलमोस्ट 20 kg तो हो गया वजन इसकी, इसे हम लोग ले कर चल रहे हैं, हालत ख़राब हो रखी है। और उस सामने शिमला दिख रहा है आपको, बैग एक्सचेंज कर लिया है, छोटी वाली बैग मैंने ले ली, बड़ी वाली बैग आप गौरव ले लेगी, पूरी पीठ मेरी दर्द करने लगी थी यार। और अब यहाँ से हमारा लोकेशन ऑलमोस्ट 900 मीटर बाकी है। भाई चलते चलते फिर से बारिश होने लगी, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पहुँच गए, हम लोग ना एक गलत रूट ले लिया था, ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ गए थे और रास्ता नीचे से ही गुजर रहा था, हम लोगों ने मतलब हमें पता नहीं चला, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ गए थे और अभी हम लोग इधर से नीचे की ओर जाएंगे। और पीछे मौसम देखो, मौसम यार एकदम मौसम, पहाड़ी से भीगे जा रहे हैं, ये ना ऑफ सीज़न है मतलब यहाँ आने का, ठीक है। बट अगर आप काफ़ी एडवेंचरस आदमी हो या फिर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो देन आप इस टाइम आ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम जो ब्यूटी है और उसके बावजूद मतलब यहाँ का फॉग वगैरह, नेचर ने ना अपने आप को पूरी तरह से डेकोरेट कर रखा, अभी आप इस टाइम बेस्ट है, आप इस टाइम भी आ सकते हो। बाकी तो नॉर्मली लोग
स्नोफॉल में आती हैं भाई। हम लोग है ना एक बीच नाव में फंस चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लोग इस रास्ते तो भी आए, ठीक है। एक रास्ता इस नीचे की ओर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा हम लोग किधर जाएं, और यहाँ पर कोई लोग भी नहीं है और बारिश हो रहा है। हम लोग बीच में फंसे हुए हैं और कोई भी लोग नहीं यार कि हम लोग किसे पूछे कि रास्ता किधर को जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है क्या भाई? नीचे रास्ता है, चल देखो। सिर्फ जंगल ही जंगल है भाई और रास्ते भी ख़राब है, चलने में हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। फुली ट्रैकिंग है यार, फुली ट्रैकिंग, समझ ही नहीं आ रही है रास्ते कौन है। अगर एक बार गलत रूट हो गया ना तो फिर जाने में हालत ख़राब हो जाएगी अपनी, क्योंकि ऊपर चढ़ाना है और नीचे उतरने को तो उतर जाते हैं लोग, फिर चढ़ने में हालत ख़राब हो सकती है। और यहाँ कंटिन्यू बारिश भी हो रहे हैं, अभी तक रैन का मतलब फॉल का आवाज़ तक नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा गंदे फंसे हुए हैं, गौरव आगे बढ़ता जा रहा है, पता नहीं गलत रूट है या सही रूट है, मुझे मालूम नहीं, पर हम लोग फंसे हुए हैं बहुत गंदे, ये मानते हैं हम लोग। भाई किधर गया तू, किस साइड जा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। रास्ते में सांप आप मिल गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पंगे के डंगे हो जाएंगे। रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट, चलने में हालत ख़राब हो रखी है अपनी। चलूँ तो चलूँ कैसे, सिर्फ रूट लिया जा रहा है, बदले जा रहा हूँ, पर पूरा जंगल है यार भाई। किस किस टाइम यार मैं फंस गया यहाँ पे, आके फंस गया कुछ भाई है किधर, फंस तो गया अपन आके, हालत ख़राब हो जाएगा यार। हाँ भाई गंदी वाली ट्रैकिंग हो रही है आज अपनी, पूरा बारिश में हम फंस चुके हैं, उसके बावजूद इतने सारे सामान और कोई भी लोग नहीं। अगर रूट सही है या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, बस हम लोग चलते बढ़ रहे हैं, होप कि रूट सही हो, वरना ये शॉर्टकट हुआ ना तो शॉर्टकट के चक्कर में हालत ख़राब हो जाएगी। और रोड देखो कैसी है, भाई काश को एक आदमी मिल जाए और हमें गाइड कर दे यार अच्छे अच्छे से। कहाँ रूट दिखा, रोड है भाई, कहीं रोड पे तो नहीं निकल गए अपन, तो भाई उधर फिर कैसे जाएंगे हम लोग। नीचे रोड दिख रहा है पर अभी तक झरना नहीं दिखा, फंसे हुए यार गंदा फंसे हुए मुझे मालूम है, पर कोई नहीं, द पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, और ये हिमाचल की ब्यूटी है, जो अनएक्सपेक्टेशन चीज़ होते हैं ना वो काफ़ी बेस्ट होते हैं। बहुत खुश है, झरना के पास तो नहीं है हम लोग, रोड के पास उल्टे आ गए। कैसे हो जाना भाई, भाई पैर ना फिसल जाए, यार भाई ये रास्ता तो रोड की ओर ले आया, झरना की तरफ नहीं। अब इधर किसी से पूछना है, अब बंदे का दिमाग आया पूछने का, अब चलते किसी से पूछते हैं कैपन है किधर। ये भाई टाइगर लिखा हुआ यार, तू समझ ही नहीं आ रहा हम लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं रास्ता में। क्या बोला, किस घर में चलते सेफ है, सिर्फ हम और गौरव है यहाँ पर और कोई भी नहीं, और ये बारिश से परेशान कर रखी है यार, रास्ता अभी तक मालूम नहीं किधर हम लोग, पर मजा आ रहा हम लोग अभी ऊपर से पूरा चढ़ के नीचे तक आए, क्या कहाँ लिखा है कुछ नहीं मालूम चल रहा, ना बारिश ना झरने कुछ का आवाज नहीं आ रहा, बस कंटिन्यू बारिश ही हो रहे हैं। हमारे पास ना रेनकोट भी नहीं है कि हम लोग सेफ हो सके, अब बढ़ते इस रूट से क्योंकि पीछे रोड जा रहा है। रास्ते में चलने दो, इधर से हम लोग आए पीछे से हम लोग चलते चलते हैं, एक छोटा सा ये घर नहीं बोल सकते यार, ये जुआड़ियों का अड्डा है, खंडर वगैरह बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ दारू वाड़ू की बियर वगैरह के बोतल फेंके हुए हैं। ठरकी और मवेली का आइडिया यार, हम लोग इधर आके फंसे हुए हैं, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा हम लोग किधर है, बस आप पीछे व्यू देखो जो है बस यही है अभी। फंस तो गए पर जो है सबसे बेस्ट है।